हेलो बच्चों, सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स अब आपके खत्म हो चुके हैं और अब आई है बारी सीए इंटर की तैयारी करने की। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि आईसीआई ने लॉन्च करा है अपना नया कोर्स। यस, आईसीआई लेकर आया है न्यू कोर्स सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्पेशली सीए इंटर के उन सभी स्टूडेंट से जो मई 2024 में देने जा रहे हैं अपना पहला न्यू कोर्स का अटेम्प्ट। आरकेजी इंस्टीट्यूट पिछले 12 साल से सीए के बच्चों को पढ़ा रहा है और उन्हें ग्रूम कर रहा है, और इस वीडियो में बच्चों मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूं हमारे नए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच की, खासकर जो सीए इंटरमीडिएट के न्यू कोर्स के लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा आपके सारे ही फैकल्टी मेंबर से जो आपको पढ़ाने वाले हैं सीए इंटर की। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि सीए इंटर के अंदर आपके दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप वन जिसमें होते हैं आपके तीन सब्जेक्ट्स और ग्रुप टू जिसमें होते हैं आपके दूसरे तीन सब्जेक्ट्स। टोटल यानी कि आपको 6 पेपर्स की तैयारी करनी पड़ती है। हमारे इस नए बैच के अंदर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों 1 अगस्त से, क्योंकि काफी बच्चों के अभी कॉलेजेस के एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ के खत्म होने वाले हैं, तो हम 1 अगस्त से बच्चों अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स की, जिसके अंदर आपके पास दोनों ऑप्शंस रहेंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में अपनी तैयारी करने की। मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं कि हम इस कोर्स के अंदर आपको दोनों ही ग्रुप्स की तैयारी करवाते हैं और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स की कवरेज मिलती है। अगर आप घर बैठ के हमारे साथ तैयारी करेंगे तो आपको मिलेंगी हमारी सारी लाइव स्ट्रीम क्लासेस, यानी कि जिसमें इंस्टीट्यूट से ही हम आपको वो सारा लेक्चर प्रोवाइड करेंगे जो घर बैठे बैठे आप देख सकते हैं और हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा डाउट्स के लिए आपको मिलेगा हमारा डाउट्स ग्रुप, जिसमें हर फैकल्टी मेंबर अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लिए आपके साथ आपके डाउट्स लेने के लिए तैयार रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको मिलेंगी हमारी आरकेजी की बुक्स एंड प्रॉपर टेस्ट शेड्यूल, जो मैं आपको अभी अगले पार्ट ऑफ द वीडियो में बताने वाला हूं। अब सर, सीए इंटर के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स, आपको कौन कौन से फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाने वाले हैं, मैं वो थोड़ा सा आपको अभी ब्रीफ में बता देता हूं। आरकेजी के अंदर आपको सारे ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो आपकी सीए की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। मैं आपको पर्सनली पढ़ाऊंगा पेपर वन यानी कि एडवांस अकाउंटेंसी का। इसके अलावा हमारे साथ होंगे सीएमए अली सर, इसके अलावा हमारे साथ होंगे सीएस प्रकाश पांडे सर, एंड हमारे साथ होंगे टैक्स एक्सपर्ट अंकुर सर। ये सारे ही फैकल्टी मेंबर्स आपको आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट की टॉप नॉच तैयारी करवाएंगे, और इन सब फैकल्टी मेंबर्स के साथ थोड़ी ही देर में मैं आपको मुलाकात भी करवाऊंगा और जो आपको गाइड करेंगे अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में। अब बच्चों, एक छोटा सा प्लानर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि हम आखिर तैयारी करेंगे कैसे। देखो बच्चों, हमारी तैयारी 1 अगस्त से स्टार्ट होगी, जो चलेगी आपकी लगभग लगभग मिड ऑफ जनवरी तक, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप 5 मंथ्स की स्टडी लगभग हमारे साथ करेंगे या 5.5 मंथ्स की स्टडी कंप्लीट हमारे साथ करेंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट आपको करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको उसमें मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट, यानी कि जितना जितना आप पढ़ते रहेंगे उसका इवैल्यूएशन साथ साथ मिलता रहेगा। अब जनवरी में जब आपका कोर्स खत्म होगा, उसके बाद आपके पास होंगे पूरे 3 महीने, जिसमें होंगे आपके कंप्लीट 3 आवर्स मॉक टेस्ट, और वो भी इवैल्यूएशन के साथ। अभी रिसेंटली जो बच्चे हमारे यहां नवंबर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका कोर्स खत्म हो चुका है, और इनफैक्ट 1 अगस्त से उनकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि 3 महीने वो करेंगे अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, और नवंबर में देंगे अटेम्प्ट। सेम वे पैटर्न आपके साथ चलेगा। आपका जब सिलेबस खत्म होगा तो उसके बाद आपके पास पूरे 3 महीने होंगे, जिसमें आप हर सब्जेक्ट्स के 4 से 5 अच्छे से मॉक पेपर्स देंगे। आपको बच्चों हमारे आरकेजी के साथ मिलेंगी हमारी स्पेशलाइज्ड स्टडी मटेरियल बुक्स। अब इस बुक्स में क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीआई ने अपना सिलेबस चेंज करा है, पैटर्न चेंज करा है, तो हमारी इन बुक्स को बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। ये सारे स्टडी मटेरियल की कवरेज रखते हैं, इसमें हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी कवर किए जाएंगे और आपके
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कवर किए जाएंगे, साथ ही साथ आपको हमारे स्पेशल मॉक पेपर्स भी इसमें दिए जाएंगे एंड बाकी गाइडेंस तो चलेगी ही। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं यहां पर सभी बच्चों को कि आपको हमारे बुक्स की डिलीवरी फ्री आपके घर पर करवाई जाएगी, चाहे आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं या ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। एंड जितने भी बच्चे चाहे हमारे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनको हम बैकअप रिकॉर्डिंग का लेक्चर्स अपने सारा देते हैं ऑनलाइन एक्सेस के तौर पर। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी मिलेगी कि आप अपने एग्जाम्स तक अपने इन सारे लेक्चर्स का अनलिमिटेड व्यूज रख सकते हैं, यानी कि आपके व्यूज एक्सपायर नहीं होंगे। आपको अगर कोई लेक्चर 10 बार देखना है, कोई टॉपिक 20 बार देखकर समझना है, आप उसको समझ सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहां पर आपके लिए नहीं होगी। अब बच्चों आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि यहां मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके सीए इंटर के जितने भी 6 के 6 पेपर्स हैं उसके बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेपर पैटर्न अब कैसा कर दिया है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, आईसीएआई ने जो सिलेबस चेंज करा है इसकी कुछ बारीकियां मैं आपको बताता हूं। पहले जो सीए इंटर का सिलेबस होता था वो कॉलेज जाने वाले ग्रेजुएशन के बच्चे के साथ काफी ज्यादा मैच करता था, यानी कि अगर एक बच्चा ग्रेजुएट है और एक बच्चा सीए इंटर कर रहा है तो उसकी पढ़ाई अकाउंट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा सिमिलर होती थी। लेकिन अब नए कोर्स के अंदर जो सीए फाइनल में हम पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लीट नॉलेज लिया करते थे, वो पूरी की पूरी कंप्लीट नॉलेज आपको अब सीए इंटर के अंदर करनी पड़ेगी। अब इसका मेन डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं कि क्या हो गया है। अब जब आप अपने ग्रेजुएशन के अकाउंट सब्जेक्ट की तैयारी करोगे वो काफी कम सिमिलर होगी आपके सीए इंटर की अकाउंट सब्जेक्ट की तैयारी से, क्योंकि अब सीए इंटर का अकाउंट्स का सब्जेक्ट अलग हो गया है और काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो गया। इसी तरह हर सब्जेक्ट की गाइडेंस आपको भी थोड़ी ही देर में हमारी सारी फैकल्टीज आकर देने वाली है, तो आप इस वीडियो में बने रहना। पर मैं आपके साथ एडवांस अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों आपके ग्रुप वन का जो सबसे पहला पेपर है एडवांस अकाउंटिंग, ये है 100 मार्क्स का। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस नए पैटर्न के अंदर 70 और 30, इस तरह से आईसीएआई ने बोला है कि 30 मार्क्स के एमसीक्यू रखे जाएंगे और 70 मार्क्स का नॉर्मल पेपर रहने वाला है। लेकिन उस पेपर को जब बनाया जाएगा तो बड़े ध्यान से देखना, आईसीएआई ने यहां मेंशन करा है लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 का मतलब है नॉलेज बेस्ड, जिसको आप कह सकते हो बेसिक, जिसमें आपको सिर्फ चीजें पढ़नी है या समझ लीजिए रटनी है और एग्जाम में लिखना है। लेकिन जो एप्लीकेशन या एनालिसिस बेस्ड पोर्शन होता है उसका कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर मैं आपको पेपर 1 की बात करूं, 5 से 10-15% के नंबर के क्वेश्चन ही आपके नॉलेज बेस्ड होंगे, 85-95% जैसा आप देख रहे हो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है जिसमें आपको पढ़ना डिटेल में पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये तो पेपर का पैटर्न है आपके एडवांस अकाउंटिंग का। बाकी इसके अंदर मैं ब्रीफ में बता देता हूं, क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ ही नया है, कि इसमें आप कंप्लीट स्टडी करते हैं बच्चों अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, यानी कि जब आप ये पेपर पास करते हो या ये पेपर पढ़ते हो तो आप एक बहुत कॉम्पिटेंट अकाउंटेंट बन जाते हो। आप उस ग्रेजुएट अकाउंटेंट से बहुत ऊपर माने जाओगे, क्योंकि इसमें जो आपको अब नए कोर्स में स्टडी करनी है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की करनी है। तो अब बच्चों मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अपनी सभी फैकल्टीज से, जो आपको पूरा अच्छे से गाइड करेंगी अपने रेस्पेक्टिव पेपर के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे यहाँ सीएस प्रकाश पांडे सर वो आपको पेपर 2 एंड पेपर 5 जो पढ़ाने वाले हैं उसकी पूरी कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पर देने वाले हैं। तो मैं प्रकाश सर को बुलाता हूं कि प्रकाश सर प्लीज यहां पर आए और हमारे सभी स्टूडेंट्स को कंप्लीट गाइडेंस दें कि किस तरह का पेपर पैटर्न आने वाला है, किस तरह से बच्चों को आप तैयारी करवाएंगे और किस तरह से ये एंश्योर करेंगे कि बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ले। थैंक यू सो मच सर। बेटा मेरा नाम प्रकाश पांडे, बाई क्वालिफिकेशन में कंपनी सेक्रेटरी LLB और LLM हूँ। बेसिकली आई एम आंसरेबल फॉर योर पेपर 2, डेट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, और उसके साथ साथ बेटा पेपर 5 है, डेट इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स। मैं सबसे पहले ऑडिटिंग एंड एथिक्स के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें बोलने के लिए बहुत कम चीजें हैं। बेसिकली आपका जो ओल्ड स्कीम था और न्यू स्कीम, इसमें बहुत ज्यादा फर्क इस पेपर को लेकर नहीं है। जैसा कि बच्चे पहले भी कहा करते थे कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस जो ओल्ड स्कीम में पेपर था वो एक थ्योरेटिकल पेपर है, बट मैं बच्चों से हमेशा बोलता हूं कि जो ऑडिटिंग का पेपर है वो थ्योरेटिकल पेपर विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच है। और क्योंकि बच्चा इसको थ्योरेटिकल समझता है, इसका यही मेन कारण है कि इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल होते हैं वो फेल होते हैं बेसिकली ऑडिटिंग के पेपर में।
इंस्टीट्यूट ने जब आपके स्कीम को चेंज किया तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के नाम को हल्का सा चेंज करके आप ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम रख दिया ऑडिटिंग एंड एथिक्स। पहले सीए फाइनल में एक पेपर हुआ करता था प्रोफेशनल एथिक्स का, उस प्रोफेशनल एथिक्स वाले पोर्शन को निकाल के अब आपके इंटरमीडिएट के ऑडिटिंग में ऐड कर दिया गया है। बाकी पेपर लगभग सेम है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स पेपर 100 मार्क्स का न्यू स्कीम में ये पेपर लॉन्च किया गया है, जिसमें दो तीन कॉन्सेप्ट्स न्यू एड ऑन भी हुए हैं जो काफी धमाकेदार हैं, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स ऐड हुआ है, डिजिटल ऑडिटिंग का एक कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, बाकी समहाउ पेपर लगभग ये ओल्ड स्कीम की तरह है जिसमें आप लोग ऑडिटिंग प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, ऑडिट एंगेजमेंट, बाकी ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। तो ऑडिटिंग एंड एथिक्स पेपर को लेकर कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है अगर आप प्रीवियस स्कीम से कंपेयर करेंगे न्यू स्कीम की। तो इसके बाद जब हम पेपर नंबर टू की बात करते हैं तो पेपर नंबर टू ये 100 मार्क्स का पेपर है जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। इस पेपर को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है पार्ट वन और एक है पार्ट टू। इस पार्ट वन को रखा गया है 70 मार्क्स में और पार्ट टू को रखा गया है 30 मार्क्स में। अब यहां पे समझने वाली बात है, सबसे पहले पार्ट बी के बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो पार्ट बी है 30 मार्क्स, इसमें बेसिकली आपको तीन चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, जो बेसिकली आपको जानकारी देता है कि हमें लॉ पढ़ना कैसे चाहिए। इसके बाद जो दूसरा इसका चैप्टर आएगा वो आएगा जनरल क्लॉजेज एक्ट, जिसमें बहुत सारे एक्ट की डेफिनेशंस के बारे में बेसिकली बात की गई है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू और जनरल क्लॉजेज एक्ट ये आपके ओल्ड स्कीम के लॉ के पेपर में भी था, अदर लॉज में ही था, तो इसमें कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं हुए हैं। एज इट इज पेपर को उठा के डाल दिया गया है, चैप्टर को उठा के डाल दिया गया है। इसके बाद इसमें एक नया चैप्टर एड किया गया है, दैट इज मोस्ट ट्रिमेंडस थिंग्स। एक पेपर हुआ करता है, एक चैप्टर हुआ करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। पहले ये सीए फाइनल वाले बच्चों को पढ़ाया जाता था, फाइनल के चैप्टर को उठा के अब आपके इंटरमीडिएट के अदर लॉज में डाल दिया गया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में बच्चों से हमेशा कहता हूं कि ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक लॉ माना जाता है हमारे देश का। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक लॉ। इसको अब डाल दिया गया आपके अदर लॉ में और ये 30 मार्क्स में आपको तीन चैप्टर पढ़ने हैं, दैट इज द जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तीन चैप्टर 30 मार्क्स, बाय हुक बाय टुक आप देखोगे तो एक चैप्टर का वेटेज 10 नंबर का रहने वाला है, ऐसा देखने में लग रहा है, हालांकि इंस्टीट्यूट ने ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। जहां तक सवाल है ये पार्ट ए, दैट इज अ कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी, आप यहां पे ध्यान से देखेंगे ना तो पार्ट वन को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक आपका है कंपनी लॉ और दूसरा आपका है एलएलपी का। अब देखिए आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर कंपनीज एक्ट और एलएलपी के लिए जो 70 मार्क्स है, सर एलएलपी तो हम लोगों ने फाउंडेशन में भी पढ़ा है, दोनों में फर्क है। आपने जो फाउंडेशन में एलएलपी किया है उसमें एलएलपी एक्ट 2008 आपने पढ़ा है, लेकिन बकायदा इंस्टीट्यूट ने यहां पर मेंशन किया है कि जो एलएलपी आपके इंटरमीडिएट में है वो अलोंग विद रूल्स है, तो आपने एलएलपी रूल्स 2009 फाउंडेशन में नहीं पढ़ा, वो आपको इंटरमीडिएट में पढ़ने को मिलेगा। और यहां पर जो एलएलपी है वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड डेप्थ है एज कंपेयर टू फाउंडेशन। जहां तक कंपनीज एक्ट का सवाल है, इसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं किया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 में पहले भी सिचुएशन ये था कि कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शन है, लेकिन इंटरमीडिएट में इस टोटल 470 सेक्शन में से केवल सेक्शन 148 तक इंटरमीडिएट में डाला गया था। ये ओल्ड स्कीम में भी सेम है, न्यू स्कीम में भी यही है, यानी न्यू स्कीम में भी आपको पूरे कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ना 470 सेक्शन, आपको जो पढ़ना है केवल 148, दैट इज ऑडिटर, ऑडिटर चैप्टर तक आपको पूरे के पूरे इस कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट को पढ़ना है। इसमें इंस्टीट्यूट ने एक चैप्टर और भी ऐड कर दिया है, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इन आउटसाइड इंडिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो जो यहां पर फेमा चैप्टर को ऐड किया गया है, ये चैप्टर बेसिकली पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए होता है या नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए होता है, मतलब ये एक इंटरनेशनल लॉ है, क्योंकि अदर लॉ में आपको इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा दिया, इसीलिए कंपनीज एक्ट में उन्होंने एक नया चैप्टर इनकॉर्पोरेट कर दिया कि अगर कोई बंदा कंपनी को आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो ये आपके पेपर का ओवरव्यू है, चाहे वो पेपर ऑडिटिंग हो चाहे वो पेपर आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का हो। बाकी जब आप आरकेजी टीम के साथ ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आप लोगों को खुद ही पता चलेगा कि क्लास की क्वालिटी और हम लोग क्या एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं फॉर योर इंटरमीडिएट। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंटरमीडिएट की एजुकेशन ये केवल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन विद क्वालिटी होनी चाहिए, और इस पे फोकस रखते हुए हम लोगों ने हर चीजों पे छोटे मोटे ध्यान दिया, क्योंकि पेपर नया है इसलिए पैटर्न भी नया होगा, इसलिए आपको एजुकेशन को डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ लेना होगा। मैं रिपीट करता हूं, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, और ये तभी मेंटेन रह पाएगी ना जब आप क्वालिटी को भी साथ में मेंटेन रखेंगे। पेपर नया है, पैटर्न नया है, इसलिए आप सारे बच्चों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी भी है जो इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के लिए क्रिएट करके दिया है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आप इनकैश तब कर पाओगे जब आप हर एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए अपने एजुकेशनल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच प्रकाश सर, आपने बच्चों को सारा गाइडेंस दिया, तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि पेपर टू एंड पेपर फाइव किस तरह का पेपर है, और प्रकाश सर की गाइडेंस में आप एक बार जब सर से पढ़ेंगे
तो आपको खुद ही वो डिफरेंस फील होगा कि सर एक एक चीज को कैसे बारीकी से आपको समझाएंगे, चाहे वो लॉ हो चाहे वो ऑडिट हो। और ये सब्जेक्ट जो काफी बच्चों को मुश्किल लगते हैं, डरावने लगते हैं, और कई बच्चों को इसमें ऐसा भी लगता है कि हम शायद फेल ना हो जाएं, तो ये सब्जेक्ट ऐसे निकलने वाले हैं आपके लिए जिसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। तो थैंक यू सो मच प्रकाश सर आपके समय देने के लिए। अब बच्चों जो आपका नेक्स्ट पेपर होता है ग्रुप वन के अंदर पेपर नंबर 3, जिसे सब कहते हैं कि एक सबसे वास्ट पेपर है, उस पेपर का नाम है टैक्सेशन। शायद आपने थोड़ा बहुत जब मेरे साथ क्लास 12th में पढ़ाई करी हो, या वैसे भी अगर कभी पढ़ाई करी हो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने गवर्नमेंट बजट चैप्टर पढ़ा हो, तो आपको ये तो याद होगा कि टैक्स दो तरह के हुआ करते थे सर। एक होता था डायरेक्ट टैक्स, एक होता था इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब वो समय आ चुका है बच्चों आपके सीए इंटर के अंदर, अगर आप देखो थोड़ा सा, तो ये पेपर नंबर 3 जो है ये पूरा का पूरा टैक्सेशन का पेपर है। और आपको टैक्सेशन की जो तैयारी करवाएंगे वो हमारे आरकेजी के चहेते अंकुर अग्रवाल सर करवाएंगे, यानी कि हमारे टैक्स एक्सपर्ट, जो पूरा अच्छे से आपको टैक्स की एक एक बारीकियां सिखाएंगे। तो मैं अंकुर सर को चाहूंगा कि वो आए और आप बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें सीए इंटर के इस टैक्स पेपर के बारे में। तो अंकुर सर प्लीज बच्चों को गाइड करने के लिए आप आइए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो सीए इंटर में पेपर नंबर 3 जो आप मेरे साथ तैयार करेंगे, इंस्टीट्यूट ने उसे 2 पार्ट में बांटा, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक पार्ट है आपका पेपर 3A और एक है 3B। सर, 2 पार्ट में बांटने का पर्पज ये है कि पेपर ए जो आपका है वो आपका इनकम टैक्स लॉ का पेपर है, यानी कि आपको इसमें पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स। जैसा आपकी सर ने आपको बताया, आप जानते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के टैक्सेस हमारे देश में चलते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स जो आपका अब एग्जाम में आएगा वो आएगा आपका सर 50 मार्क्स का, यानी पूरा डायरेक्ट टैक्स जो आपका सीए इंटर में कवर है वो 50 मार्क्स में कवरेज होगी आपकी। और जो सबसे नया और सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट है हमारे देश का, जिसको आप जानते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कवर करता है हमारे देश के इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को, तो आप इसको पढ़ेंगे 50 मार्क्स में, यानी कि 50 मार्क्स का पार्ट ए और 50 मार्क्स का पार्ट बी। तो आपका टोटल टैक्सेशन का पेपर होता है यहां पर 100 मार्क्स का। और जैसा इंस्टीट्यूट ने अभी अभी बता के दिया है कि कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज या जो नॉलेज होगी हमारी, वो अगर आप देखें डायरेक्ट टैक्स में 15-20%, यानी कि बहुत ही कम पोर्शन है, और 95% तक आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, एनालिसिस, जिसको आप बोल सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यानी कि डायरेक्ट टैक्स में हम जो भी पढ़ेंगे वो बिल्कुल आपके मैथ्स और अकाउंट्स की तरह आपको सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन, यानी कि रजिस्टर भरने के लिए तैयार हो जाइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। यानी कुछ भी थ्योरी में नहीं होगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ आपको सॉल्यूशन, यानी कि आपको सब कुछ लिख के करना है। लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, जिसमें जीएसटी आप पढ़ेंगे, तो आप देख रहे हैं 45% नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। रीजन बीइंग, लॉ के तरीके से ही ये भी आपको थोड़ा थ्योरेटिकल मिलेगा, लेकिन इसमें जो नॉलेज पूछी जाएगी 85% लगभग आपसे एप्लीकेशन बेस्ड पूछी जाएगी, जिसे आप फाउंडेशन लेवल पे कह सकते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि एक सिनेरियो बना के दिया जाएगा जीएसटी का, फिर आपको बताना है उसमें उस बंदे को जीएसटी के अंदर किस प्रोसेस से अपना काम पूरा करना है। तो इस तरीके से हमारे दोनों पोर्शन को कवर करते हैं, नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड तरीके से। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमें पढ़ना क्या है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ने से पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ रखा है अपने परिवार से, अपने घर से, कि आपके मम्मी पापा चाहे बिजनेस करते हो जॉब करते हो, आपको पता होगा घर में सब एक बात करते हैं, भैया पैसे आ रहे हैं तो सरकार हमसे क्या ले रही है, टैक्स तो ले रही है। यानी टैक्स एक इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो आपके घर के आसपास आपको मिलने वाला है, हर तरीके का टैक्स आपको मिलने वाला है। और एक टैक्स आप खुद देते आए हैं, क्योंकि आप सब भूख लग रही है तो कहां जा रहे हैं सर, मैकडी जा रहे हैं। तो मैकडी में आपने ऑब्जर्व किया होगा 100 रुपए का आपने हैप्पी मिल लिया, 5 रुपए का उस पर जीएसटी लगता है। यानी जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर को आप प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं, घर वाले इनकम टैक्स स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं, तो जितना भी टैक्स का कोर्स है वो आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका होने वाला है इनकम टैक्स और जीएसटी। एक्चुअली में उसी की ही नॉलेज आप अपने आसपास, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, और सीए बनने के बाद तो इसी का मेजरली काम सीए जो लोग होते हैं वो टैक्सेशन को करते हैं। तो उम्मीद है बहुत मजा आएगा टैक्स पढ़ने में। तो मैं मिलूंगा आपको पेपर नंबर 3 के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ लक।
तो थैंक यू सो मच अंकुर सर, आपने बच्चों को जो गाइडेंस दी पेपर थ्री के बारे में। तो आई होप बच्चों आपको भी पता लग गया होगा कि पेपर थ्री में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह के टेक्स्ट पढ़ने हैं, और अंकुर सर के साथ उनकी रंग बिरंगी किताबों के साथ जब आप रजिस्टर्स भरोगे जैसा सर ने कहा, तो फिर आपको टेक्स्ट का ये पूरा विशाल जो पेपर है ये बहुत आसान लगेगा, और बिल्कुल डेफिनेटली आप इस पेपर को भी अच्छे से क्रैक कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच अंकुर सर बच्चों को गाइड करने के लिए। अब बच्चों इसके बाद जो आपके पेपर्स आते हैं जो स्पेशली हैं ग्रुप टू के अंदर, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या आपका एक सिक्स पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, और दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स ये ऐसे पेपर्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल पेपर है, और इन दोनों ही सब्जेक्ट्स की तैयारी हमारे यहाँ करवाते हैं जो सबसे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं हम सारे ही आरकेजी फैकल्टी मेंबर्स के बीच में, सीएमए अली सर, यानी कि वो खुद एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है और वही आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाएंगे। तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, तो मैं चाहूंगा अली सर को कि प्लीज वो यहां पर एक बार बच्चों के लिए आएं और बच्चों को प्लीज गाइड करें और इन दोनों पेपर्स का पूरा पैटर्न समझाएं कि किस तरह से आप तैयारी करवाने वाले हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया इसके, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को सभी कुछ बता दिया है हमारी बाकी फैकल्टी ने, तो आपको सबसे पहले मैं अपने बात बता दूं, मैं हूं सीएमएल नकवी, कॉस्टी में स्पेशलाइज और एफएम में स्पेशलाइज स्पेशली, और बहुत से बच्चे मुझे जानते भी हो जो पढ़ते हैं फाउंडेशन मुझसे मैथ्स। तो यहाँ पे बेटा मैं कॉस्टिंग में और एफएम में स्पेशलाइज हूँ, और आपका जो पेपर नंबर देखा जैसे दिख रहा है ग्रुप टू के अंदर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एसएम, ये पेपर बेटा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बेटा ये पेपर जो है बहुत ही प्रैक्टिकल पेपर है और बहुत ही रियल लाइफ से बेस्ड पेपर है। पहले मैं कॉस्टिंग की बात करता हूं। देखिए आप लोगों को कॉस्टिंग हर जगह एप्लीकेबल होती है, बट आप रियल चीज में पहचान नहीं पाते। कैसे मैं बताता हूं आपको, आप मेट्रो से ट्रेवल करते हो, टैक्सी से ट्रेवल करते हो, बस से ट्रेवल करते हो, कभी आपने जानने की कोशिश की है दोस्तों कि वो मेट्रो वाला, वो टैक्सी वाला, वो बस वाला हमसे कैसे पैसे चार्ज करता है? ठीक, वो हम इस कॉस्टिंग में सीखेंगे दोस्तों। दूसरी बात, कभी आपने देखा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, जितनी भी इंडस्ट्री होती है गुड्स बनाती हैं, गुड्स बनाने के बाद वो कॉस्ट कैसे अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करती हैं, कैसे उसमें अपना मटेरियल लेबर ऐड करती हैं, ये हम बेटा पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट के जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर। बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर। इसमें खास बताता हूं मैं आपको एक बात, ये पेपर बेटा, इस पेपर में आपको नजर आएगा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, इस पेपर के अंदर बेटा आपको नजर आएगा मैथ्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा, और इस पेपर में बेटा आपको नजर आएगा इसका मतलब अकाउंट का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये जो पेपर है बेटा मिक्सचर है, मैथ्स इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स तीनों का मिक्सचर है बेटा ये पेपर। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही मजा आने वाला आपको मेरे साथ पढ़ने में, मैं वादा करता हूं डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा और आप बहुत खुश होंगे, रियल चीजें बिल्कुल बताई जाएंगे इसके अंदर। अब इसके बाद पेपर नंबर टू जो आता है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बारे में तो मैं क्या कहूं, ये सबका चहेता सब्जेक्ट क्यों होता है, क्योंकि हर कोई बनना चाहता है राकेश झुंझुनवाला, मतलब वो चाहता है कि मुझे शेयर मार्केट की नॉलेज हो जाए, वो चाहता है कैसे मैं कंपनी को चलाऊं, कैसे मैं अपने इक्विटी शेयर्स को पैसा कैसे लूं, डिवेंचर से कैसा पैसा लूं, ये सारा अरेंजमेंट हम सिखाए जाएंगे इसके अंदर। जब मैं आपको एफ एम पढ़ाऊंगा बेटा तो आपको एक फायदा ये होगा कि आपको थोड़ी बहुत शेयर मार्केट की नॉलेज भी मिलेगी इसके अंदर, आपको इन्वेस्ट करने के तरीके भी बीच में प्रैक्टिकली इस बार में बताने वाला हूं आपको। ठीक बेटा, तो ये पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इन दोनों पेपर के अंदर सबसे खास बात क्या है कि ये पूरे के पूरे पेपर प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर है। ठीक है, इसमें आपके 100 में से 100 नंबर भी आ सकते हैं, कि थ्योरी पोर्शन बहुत कम होता है इसके अंदर, और जो थ्योरी भी आती है वो चॉइस में आती है। अब इस पेपर को आईसीआई ने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहले पेपर पूरा 100 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। अब आईसीआई ने सीएमए के बेस पर, जैसे सीएमए में इंटर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, वैसे सीए इंटर में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, और ये 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे और 70 नंबर के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ये दोनों में ही है बेटा, एफएम के अंदर और आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, दोनों के अंदर। अब मैं आपको उसके एक बात बताता हूं, ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, इसमें बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना मतलब पेपर का एप्लीकेशंस को बढ़ा देना है, क्योंकि जितना ज्यादा डीपली स्टडी हो तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर्स दे पाओगे। इसीलिए अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखो सभी पेपर के बारे में, इस बार आईसीए ने क्या किया है, हर पेपर के अंदर नॉलेज बेस को कम रखते हुए ज्यादातर एनालिसिस एप्लीकेशन बेस पे फोकस किया गया है। अगर मैं बात करूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर की, तो
30 मतलब लोअर लिमिट 20% और अपर लिमिट 30% मतलब 30% मैक्सिमम नॉलेज बेस्ड है और बाकी अगर देखो बेटा तो ये 70-80% एप्लीकेशन बेस्ड है और एप्लीकेशन बेस्ड के नहीं आपको डीपली नॉलेज पढ़नी पड़ेगी, एक एक केस को स्टडी करना पड़ेगा रियल लाइफ से जोड़ते हुए। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये पेपर आपको गुड मार्क्स लाएगा और आपकी एग्जामिनेशन हर किसी बच्चे की आ जाती है अगर थोड़ा भी पढ़ता है, लेकिन पेपर का इस बार स्टैंडर्ड अप कर रही है आईसीआई। इसलिए दोस्तों हमारे आरके जी पूरी टीम ने इस बार जो स्टडी मटेरियल जो बनाया है वो इसी बात को ध्यान रखते हुए कि ज्यादातर एप्लीकेशन बेस पे फोकस किया जाए क्योंकि आईसीआई अपना स्टैंडर्ड लेवल बढ़ा रही है। जैसे सर ने बताया कि अब अकाउंट्स जो है बीकॉम लेवल से मैच नहीं करता, अब वो एज ज्यादा आएंगे। इसी तरह से बेटा जो कॉस्टिंग आपके बीकॉम में आती थी मैच तो वही इस पेपर है, सेम नेम है, लेकिन वो एप्लीकेशन बेस्ड आएगी। जो बीकॉम में आप कर ले करते थे 2-4 क्वेश्चन करके पास, नहीं, अब बेटा इंटर के अंदर कॉस्टिंग के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बना रहा है। तो इसके तैयार हो जाओ, इसके पूरे सिनेरियो के लिए इन सभी सब्जेक्ट के जो भी आपके एक्सपर्ट टीचर्स हैं उन्होंने बेटा बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को। और एक बार बताऊं, हर टीचर ने आपका स्टडी मटेरियल इस तरह से तैयार किया है, आरके जी पूरी टीम ने मिलकर के बहुत एफर्ट लगा कर, जिससे कि आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत ही मेहनत से पढ़ेंगे और हम आप लोग के साथ अच्छे से पढ़ाएंगे, बस यही है, और जुड़ के हम लोग तैयारी करेंगे। बाकी आप इस पे फोकस जरूर कीजिएगा कि एप्लीकेशन बेस्ड एनालिसिस प्लीज फोकस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे जल्द ही, लगभग आई थिंक 1 अगस्त से आपका आसपास बैच स्टार्ट है, उस दिन मुलाकात करते हैं पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच अली सर, आपने बहुत ही अच्छा हमारे बच्चों को समझाया कॉस्ट अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो बच्चों देखो, दोनों ही पेपर जैसे सर ने बताया कि प्रैक्टिकल बेस्ड है, और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं या किसी भी तरह की स्टडी कर रहे हैं तो ध्यान रखना, जब सर ने बोला एप्लीकेशन बेस्ड, इस पे फोकस कर रहे हैं और यही न्यू कोर्स का मंत्रा है आईसीआई का। तो थैंक यू सो मच अली सर, और बच्चों से हम मुलाकात करेंगे 1 अगस्त को जितने भी बच्चे आएंगे, और आप बच्चे भी कॉस्टिंग और एफएम जब पढ़ेंगे सर के साथ तो आपको एक अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। तो जैसा कि बच्चों आपने अपने सारे ही फैकल्टीज के साथ कर ली मुलाकात और देख लिया कि कैसा पेपर आने वाला है और किस सब्जेक्ट में क्या है, कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। बच्चों जितने भी बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन में स्टडी करना चाहते हैं तो बच्चों आपके लिए हमारे पास हॉस्टल की सुविधा भी अवेलेबल रहती है, लेकिन हॉस्टल के लिए आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि हॉस्टल की हमारी सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं और ऑलरेडी हमारे यहाँ हॉस्टल की सीट्स लगभग 75% ऑक्यूपाइड है एट प्रेजेंट। तो अगर आपको अपनी सीट्स बुक करनी है या हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछनी है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9910993663। ये हमारे आरकेजी कोऑर्डिनेटर का ही नंबर है, हॉस्टल कोऑर्डिनेटर का नंबर है, आप फोन या व्हाट्सएप पे इनसे सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हॉस्टल से रिलेटेड, चाहे आपको बॉयज हॉस्टल हो या गर्ल्स हॉस्टल हो, किसी भी तरह के हॉस्टल की रिक्वायरमेंट हो तो आप यहां पर एक बार अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन के लिए बच्चों हमारे एडमिशंस ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, ऑफलाइन में भी लिमिटेड सीट्स हैं हमारे बैच के अंदर, तो जिसके लिए आपको अपनी सीट का रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। सीट रिजर्वेशन करने के लिए प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, यहां पर आप एक यूपीआई आईडी देख रहे हैं या फिर जिसका मैंने क्यूआर कोड भी यहां पर लगा रखा है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर इस यूपीआई आईडी पर अपने 2000 रुपीज की पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर शेयर कर दीजिए, तो आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी और आपके लिए जो हमारी पूरी बुक की किट है, यानी कि हमारा जो पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, वो लॉक हो जाएगा। एंड ये 2000 रुपीज जो आप अपने फीस के डिपॉजिट करेंगे ये आपकी टोटल फीस में एडजस्ट भी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उन सभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी पूरी तैयारी ऑफलाइन बैच में करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे स्टडी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, उसके लिए करना है सिर्फ आपको एक बहुत ही छोटा सा काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन पर जाना है, वहां पर आपको आपका वेरियस कोर्स नजर आ जाएगा सीए इंटर May 2024 के नाम से, जिसमें मिलने वाले हैं आपको हमारी तरफ से सारी की सारी लाइव क्लासेस। और हाँ, सबसे मजेदार बात, आपको अभी से उसके कंटेंट के अंदर मिलेंगे बहुत सारे फ्री डेमो लेक्चर्स,
और वो डेमो लेक्चर्स हमारी सारी ही फैकल्टीज के अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के होने वाले हैं। तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं भी आ रहा तो आप उन डेमो लेक्चर्स को जाकर देखिए, सब्जेक्ट्स का आइडिया लगेगा, आपको पता चलेगा कि क्या है सब्जेक्ट, टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ऐप का नाम है आरकेजी सीए क्लासेस, तो बस आपको ये ऐप डाउनलोड करनी। तो ये था बच्चों हमारी तरफ से आपके लिए इस वीडियो के अंदर। तो 1 अगस्त आपका डे है जिस दिन आपके सीए इंटर की तैयारी शुरू होने वाली है, और हमारी पूरी आरकेजी की टीम आप सभी बच्चों के सक्सेस के लिए कमिटेड है। हम सबका यही टारगेट है कि आप सभी बच्चे अपने न्यू कोर्स के जो पहला अटेम्प्ट है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लें, यानी कि मई 2024 जैसे आपका टारगेट है वही हमारा भी टारगेट है। और आपके लिए मैंने नीचे लिंक में हमारे डेमो लेक्चर्स भी दे दिए हैं, यूट्यूब पर हम सभी फैकल्टीज के डेमो लेक्चर्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप जाकर वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन के बच्चों के लिए मैंने बता दिया था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ओपन हो चुकी है। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे स्क्रॉल में जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे कमेंट में भी दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से और हमारी पूरी आरकेजी की टीम की तरफ से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे 1 अगस्त को।